हेलो नमस्ते, वेलकम टू रीना शर्मा चैनल। आज हम बनाएंगे हरे धनिए की चटनी। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए 4 से 5 हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 मुट्ठी हरा धनिया। हरे धनिए को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धोकर मीडियम काट लेंगे। 4 छोटे टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से धोकर मीडियम काट लेंगे। अब सभी को मिक्सर में थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से पीस लेंगे। चटनी पीसने के बाद अब इसमें स्वाद अनुसार 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे और चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरे धनिया की चटनी बनकर तैयार है। आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियोस के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।